अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ ये क्या जिद है, आप अपना फैसला बदल लीजिए। रूही आखिर इस घर की बहू है। माँ भाभी अभी तक नहीं आई है और हार का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या सच में अगर रूही भाभी हार नहीं ला पाई तो दादी उन्हें घर से निकाल देंगी? अवनी, माँ जी को जानती हूँ, उन्होंने जो एक बार फैसला कर लिया मतलब कर लिया, उसे बदल पाना मुश्किल है। और वैसे भी रूही की तो गलती है ही ना, उसे 10 लाख का हार ऐसे कैसे बदल दिया? वो तो सोचो। आई होप भाभी ने हार यहीं कहीं रखा हो और उन्हें मिल जाए। हाँ लेकिन अभी तो सिर्फ आधा घंटा ही बचा है ना, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर आधे घंटे में क्या ही बदल जाएगा? और पता है मुझे नहीं लगता है कि रूही भाभी को हार मिला हुआ। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना। लगता है मैडम कुछ खराबी आ गई, आपकी सीट के नीचे ना टूल बॉक्स रखा, आप 2 मिनट के लिए नीचे उतरेंगे क्या? भैया थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। अरे मैडम बस 2 मिनट दीजिए ना, अभी ठीक करके देता हूँ। मेरे पर्स में जो ज़ेवर है ना फटाफट मेरे हवाले कर दे। नहीं भैया ये किसी और के अमानत है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। नहीं देगी तो मैं छीन लूंगा। मुझे पता था वो लड़की हार नहीं ला पाएगी, अरे बेच के पैसे उड़ा दिए तो अब कहाँ से आएगा हार। अच्छा है उस गरीब से पीछा छूटा, 10 लाख का हार गया लेकिन मेरे करोड़ों के पोते की जान बच गई। सात बजने में 1 मिनट बाकी है, अगर अब भी रूही हार लेकर नहीं आई तो ना हार से और इस घर से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। भाभी भाभी खबरदार दहलीज के अंदर कदम रखा तो। भूल गई शर्त, हार कहाँ है मेरा? ये लीजिए दादी, इस घर की अमानत, आपका हार।
अब जाकर लेकर आई है तो असली हार। माँ, देखा आपने, अभी 7:15 बाकी हैं और रूही हार ले आई। हाँ तो क्या हुआ, इसने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है। अरे इसके घर वालों ने ही हार चुराया था। जब इसको घर से बाहर निकालने की धमकी दी तब जाकर उन्हें अकल आई होगी और उन्होंने ये हार लौटाया, है ना? रूही, ये हार तुम्हें कहां से मिला, कहां पर था यार? देखो रूही, मैं सच सच बताऊं कि तुम्हें ये हार कहां से मिला। कैसे बताऊं दादी का सच, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। मुझे माफ कीजिएगा खाटू जी, मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन अपने मायके की इज्जत के लिए मुझे ये बोलना ही पड़ेगा। दादी, एक्चुअली ये हार पॉलिश के लिए दिया गया था और दुकानदार ने ये सेम डिजाइन का नकली हार बनवाया था किसी दूसरे कस्टमर को देने के लिए, पर गलती से हार बदल गया। वाह, क्या कहानी है, जैसे हम तो अभी अभी पैदा हुए हैं ना। तुम बोलोगी और हम मान लेंगे। छोटे भिखारी लोग। दादी, दादी प्लीज, हार मिल गया ना, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। रोहित जी, आप चलिए कमरे में आराम कीजिए। आइए। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, ठीक तो है ना? मैं इन्हें ऊपर लेकर जाता हूं। दोबारा घर में आ तो गई है ये, लेकिन बहुत जल्दी इसकी जिंदगी अंधेरों से ना भर दी तो मेरा भी नाम नहीं। क्या वो घर चली गई? उसे वो हार मिल गया? हाँ दादू, हार मिल गया, अब सब ठीक है। लेकिन हार मिला कैसा? हार मैंने क्या हुआ दादी जी, आप हार के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि हार तो मैंने पूरे घर में कहीं नहीं देखा। फिर कहाँ मिला, कैसे मिला हार? दादी, वो नहार जीजू ने मदद कर दी रूही की, नया हार लाकर दादी को दे दी। नहार जी को रूही की कितनी चिंता है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, रूही अपने घर चली गई, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ। हाँ बस आता हूँ, मैं आया बेटा। कहाँ है आप? क्या हुआ दादी जी, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं। आपको खुशी नहीं हुई क्या कि रूही दीदी अपने घर चली गई? मैं क्यों नहीं हूंगी खुश, मैं तो बहुत खुश हूँ। और तुम ना ये बेकार की बकवास करना बंद करो और जाकर खाना लगाओ। जी जी दादी जी। ये भी हद है, रूही ने कसम दी है ना, इसलिए मैंने दादी से कोई सवाल नहीं किया। आई जस्ट होप कि दादी कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे
रूही और नाहार जी की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आई। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।